सईद गनी अपना वोट कास्ट करने अपने हलके के इलाके चनेसर गोठ पहुंच गए हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से यह कहा गया कि सूबाई वजीर ने खुद काउंटर पर जाकर अपने वोट की पर्ची बनाई, इंतखाबात का इनेकाद भी किया। इसी हवाले से उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई आपको सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला चाहे अल्लाह करेगा खैर खैरियत से ये अमन तरीके से मतलब हो जाएंगे और शाम को नतीजा अच्छा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अकाउंट ने ऐलान किया, मना नहीं सके उनको ये उनकी बात आप मान नहीं सके। देखिए, हर सियासी जमात का ये हक है कि अपना फैसला खुद करे। हमारी ये कोशिश थी कि तमाम सियासी जमातें इस जम्मू जमात का हिस्सा बने, लेकिन रिजर्वेशन थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो इंतखाबात अपने आप को दस्तदार कर रहे हैं और बड़ा मुकाबला बाकी जमातों में है, बाकी सारी जमातें मैदान में। मेयर, मैं तो शायद ये बात पिछले साल डेढ़ साल से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो कराची का मेयर होगा पीपल्स पार्टी का होगा, और उसकी वजह ये है कि हमने कराची में इतने काम किए हैं, हमने तंजीमी तौर पर पार्टी को इतना मजबूत किया है, हमने लोगों से इतने रबते अपने जोड़े हैं, जहाँ हम कमज़ोर थे वहाँ अपने आप को मजबूत किया है, उम्मीदवार हमारे बेहतर थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कराची में हम बेहतर पोजिशन में आ जाएंगे। और ये भी हमें था दादा कि कराची में बाजी में जो इंतखाबात में जिस तरह से जुलू फिरता था, बदमाशी होती थी, ज़बरदस्ती वोट डाले जाते थे, बैलेट पेपर चेंज हो जाते थे, डब्बे चेंज हो जाते थे, हर रोज़ रिजल्ट चेंज कर देते थे, वो हालात इस वक्त नहीं है शहर। तो जब वोट सही पड़ेगा, जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला हारेगा। सईद गनी अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने हलके के इलाके चुनसर गोठ पहुंच गए, इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, बताइएगा इस मौके पर क्या गुफ्तगू की गई सईद गनी की जानिब से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सईद गनी ने अपना वोट जो है ना अपने इलाके चुनसर गोठ में पहुँच कर वहाँ अपना वोट कास्ट किया। उनका ये कहना था कि इंतखाबी अमल इंतहाई खुशाहंद है, कराची में सिक्योरिटी के इंतजाम को पुलिस और दिगर अमन अमान के इदारों की जानिब से फुल प्रूफ जो है ना किए गए हैं। सईद गनी का कहना था कि एमक्यूएम का इंतखाबात से बायकॉट ये उनका अपना फैसला है, तमाम सियासी जमातों की अपनी मंशा है कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लें या उसका बायकॉट करें। सईद गनी का कहना था कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि आइंदा का मेयर भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का जियाला ही होगा। जी अकरम लोच साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि चुनेसर गोठ में सईद गनी की जानिब से वोट कास्ट किया गया, अपने हलके के इलाके में वो पहुंचे और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई।